नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ई रिक्शा टेक में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे ई रिक्शा में जो पीछे कंट्रोलर वाला वायरिंग होते हैं उसको कैसे जोड़ा जाता है और वायरिंग में कौन सा तार किस चीज़ का होता है, उसको हम अच्छी तरह से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये वायरिंग जो है जिस ई रिक्शा में पीछे कंट्रोलर लगे होते हैं उसी ई रिक्शा का ये वायरिंग हमारा है और इस वायरिंग को किजोटी मॉडल वायरिंग भी कहा जाता है। और हम आपको आज बताने वाले हैं कि ई रिक्शा का वायरिंग जो होता है उसको कैसे जोड़े। इस वायरिंग सेट में कंट्रोलर हमारा गाड़ी का पीछे में रहता है। उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपको आते रहे। हम अब बताने वाले हैं कि इसका पहले हम आगे का पोर्शन में आते हैं। ये हमारा आगे का पोर्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा आगे का गया फ्रंट का हैंडल के पास जो रहता है यही सेट रहता है वायरिंग का। तो ये जो है हमारा पहले ये जो चार तार दिख रहा है ये हमारा हॉर्न का हो गया। हॉर्न का थिम्बल भी लगा हुआ है इसमें, हॉर्न का तार हो गया ये। उसके बाद ये जो आता है ये दोनों हमारा जो है इंडिकेटर का हो गया। एक लेफ्ट इंडिकेटर एक राइट इंडिकेटर का दो हो गया। इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये जो है ये भी हमारा इंडिकेटर का ही है। और ये जो है ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, प्लस माइनस 12 वोल्ट का। इससे आप जो है एक्स्ट्रा कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है और ये दोस्तों जो दिख रहा है आपको ये वाला वायर, ये जो दो वायर है देख सकते हैं, ये दो है, ये 4-पिन जैक है, इस कपलर है, इसमें जो है दो जैक तार भरा हुआ है। ये हमारा 48 वोल्ट का इग्निशन का कपलर है। इग्निशन का ये जो है हमारा जैक जो है इग्निशन का, इस चाबी जो ऑन करते इसी में लगता है चाबी का जो है जैक, चाबी ऑन करती ये दोनों जॉइंट हो जाता है और ये हमारा गाड़ी ऑन हो जाता है। यही हमारा है इग्निशन का जैक। उसके बाद आते हैं हम इसमें, ये हमारा है मीटर का जैक है। ये हमारा आगे का जो डिजिटल मीटर रहता है उसका जैक है, इसमें देख सकते हैं। और इसका जो वायर है एक जो है बैगनी कलर का एक काला कलर का, बैगनी में हमारा 48 वोल्ट रहता है और ये काला में माइनस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें लाल 48 वोल्ट घुसा है ऑन करने के बाद इसमें निकलता है बैगनी में और बैगनी फिर जाकर मीटर में ऑन करता है मीटर को, जैसे इसमें मीटर में घुसा हुआ है, दोनों हो गया ये। उसके बाद जो हमारा ये तार है ये साइड वाला, ये जो हरा है, हरा और ब्लू जो है ये हमारा इंडिकेटर में जाता है। ये इंडिकेटर का जो है वो उसमें जो, ये दोस्तों आप लोग इसको समझ गए, ये हमारा जो दो वायर है ये इंडिकेटर का जो मीटर में इंडिकेट कर शो करता है उसी में है, ये इंडिकेटर से आया हुआ है हमारा। और ये जो है ये वायर ये हमारा स्पीड को, स्पीड नहीं, ये जो है हमारा जब लाइट ऑन करते हैं तो लाइट का जो सिग्नल देता है मीटर में उसी का ये वायर है। और ये वायर जो है ये हमारा गुलाबी वाला ये हमारा मीटर में जो स्पीड दिख शो करता है, जो मीटर का स्पीड जो शो करता है यही वायरस से शो करता है, ये हमारा कंट्रोलर से आता है। और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं इधर आगे, इसमें ये जो है हमारा ये आगे का जो हेडलाइट इसमें इसी में लगता है, हेडलाइट समझे, हेडलाइट इसमें हेडलाइट का जैक इसमें लगेगा जिससे हेडलाइट जो डिम डिपर करेगा। और ये हमारा हो गया ये राइट स्विच सेट का इसमें लगेगा, राइट का जो हम लोग का स्विच सेट रहता है उसमें इस जैक को लगाना पड़ता है। और ये जो है ये तो हमारा लाइट का है और ये जो हमारा ये लेफ्ट स्विच का है, ये हमारा लेफ्ट साइड स्विच सेट का है। और ये जो दिख रहा है ये एक्सलेटर का है, एक्सलेटर का जो थ्री वायर जो रहता है एक्सलेटर का टोटल का इसका है, इसमें लगता है। और ये जो है ये हमारा जो है इसमें फ्लाशर लगता है, इंडिकेटर जो जलता है फ्लाशर जो अप डाउन लगा है ये फ्लाशर है, ये जो है इंडिकेटर का फ्लाशर इसमें लगता है। और ये जो हमारा ये हमारा रिवर्स का है, जो हम रिवर्स का जो बटन दबाते हैं टोटल में उसी से यही जो है दोनों ये होता है, उसके बाद जो हमारा बैक होता है। और ये हमारा एक्स्ट्रा वायर है 12 वोल्ट का। बस आगे का वायरिंग हमारा ख़त्म हो गया, अब हम पीछे में आते हैं। उसे ये एक्स्ट्रा बीच में वो दिया रहता है कि 12 वोल्ट पॉजिटिव कहीं से आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ये हमारा आ गया ये पीछे का। पीछे में दोस्तों पहले हम जो है ये दो वायर होता है 48 वोल्ट का
पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। ये वायर जो है आप 48 वोल्ट का पॉजिटिव और ये नेगेटिव में जॉइंट होगा पीछे में। और उसके बाद जो है, और ये जो दोनों वायर दिख रहा है दोनों जो, ये हमारा दोनों साइड का इंडिकेटर का पीछे का दोनों साइड का इंडिकेटर में लगेगा, एक साइड, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये हमारा 48 वोल्ट जो आता है इसमें जो सप्लाई देता है, जिसे हम चाबी ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे, उसी तरह जो है ये तार हमारे कंट्रोलर को ऑन करेगा। ये हमारे कंट्रोलर में जॉइंट होता है, ठीक है, 48 वोल्ट का सप्लाई देता है ये ऑन करने से। और ये हमारा जो है ये कन्वर्टर में लगता है, जो 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है। ये जो तार है इसमें 48 घुसता है, इसमें 12 निकलता है पीला वाला में। ये जो है इसमें जो है हमारा कन्वर्टर फिटिंग होता है, लगता है। उसके बाद जो है ये वायर जो है, ये हमारा जो है आपका लगेगा एक्सलेटर में, एक्सलेटर से जो आया हुआ रहता है, ये एक्सलेटर का जो है कंट्रोलर का वायरिंग में लगेगा एक्सलेटर का। ये जो है हमारा ये जो गुलाबी कलर का वायर है, आपको हम आगे बताए थे इसमें, ये जो है हमारा मीटर में सिग्नल देता है कि कितना गाड़ी स्पीड चल रहा है। ये हमारा कंट्रोलर का जो स्पीड शो करने वाला जो तार रहता है उसके साथ जॉइंट होता है। और ये जो हमारा है, ये हमारा बैक है, ये जो रिवर्स वाला है वहाँ से हम लोग रिवर्स करेंगे एक्सलेटर से, इसी में जो है 12 वोल्ट आएगा और हमारा कंट्रोलर जो है उससे जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और इस ये जो है, ये हमारा जो आपका बैक हॉर्न जो रहता है, जैसे रिवर्स का स्विच दबाते हैं उसी तरह जो आवाज़ करता है टू टू टू, वही वाला उसी का जो है ये जैक है, इसमें लगा देने से वो बैक करने से आवाज़ करेगा। और उसके बाद ये दो वायर है, ये हमारा ये जो वायर है ये हमारा ब्रेक स्विच का है, जैसे आप ब्रेक दबेंगे ना तो हमारा कंट्रोलर जो है लॉक हो जाएगा और वो जो है आपका गाड़ी मोटर काम नहीं करेगा उसका है। और ये हमारा एक्स्ट्रा, तो इसी तरह वायरिंग का, इस वायरिंग का ये फ्रंट वायरिंग ये नहीं है, ये हमारा ये जो वायरिंग है हमारा QHD मॉडल का वायरिंग है, जो कि पीछे वाले कंट्रोलर, जिस गाड़ी में पीछे में कंट्रोलर लगता है उसी गाड़ी में ये वायरिंग का यूज किया जाता है। तो इसके बाद जो हम आपको अब बताने वाले हैं कि आगे का वायरिंग वाले वायरिंग को कैसे समझें। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रंट का जो वायरिंग होता है, फ्रंट में जो कंट्रोलर लगता है जिस ई रिक्शा में, उसका वायरिंग को हम लोग जो है आगे वीडियो में समझेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि कैसे आगे का वाला कंट्रोलर और वायरिंग को कैसे जोड़ा जाता है और कौन सा वायर किस चीज़ का होता है, ये हम आपको आगे वाले वीडियो में समझा देंगे। अगर दोस्तों आपको हम लोगों के वीडियो में कुछ भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई आपको जल्द से जल्द जल्द देंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।